गाइस 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 इन ओनली प्रीलिमिनरी और इंटरव्यू नो मेंस एग्ज़ाम जैसे यूपीपीएससी एग्ज़ाम में होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो एक नई वैकेंसीज आ चुकी है गाइस, और देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन बोर्ड में वैकेंसीज है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। वीडियो को देखिए कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज की बात किया जाए, पहली वैकेंसी जो नज़र आपको यहाँ आ रही है, देख सकते हो आपकी सिविल असिस्टेंट इंजीनियर एंड रिटेनर सिविल इंजीनियरिंग, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे तो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 6 & 5, 11, 13 & 14 वैकेंसीज़ हैं। 14 वैकेंसीज कम नहीं होता है, तो जनरल में आपकी 6 वैकेंसी है, बाकी यूपी डोमिसाइल के लिए आपकी 7 वैकेंसीज है, 7 क्या आपके 8 वैकेंसीज है, ठीक है। करना चाहते हो तो 80% ऑफ़ चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 80% ऑफ चल रहा है, 25 मई तक लास्ट डेट है। तो देख सकते हैं कोर्सेज इस तरह है, 25 मई के बाद आपके कोर्सेज इंक्रीज होने वाले हैं आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड मेरा डी कुमार टेन, और बैचेज भी संकल्प बैच चल रहा है फॉर एसएससी जेई मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, सिविल स्टूडेंट के लिए भी ऐसे बहुत सारे बैचेज हैं। तो इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते नजर आएंगे, जैसे सौरभ कुमार पांडे सर हैं, आपको जीएस पढ़ाएंगे, अमन राज सर हैं, श्रेयस अरविंद है, शिव पांडे हैं, आपके विशाल शर्मा है, आपके अभिषेक शर्मा जो जीएस के बहुत अच्छे टीचर हैं, शैलेश आपके हैं, तो ये बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको अच्छा एक प्रिडिक्ट एक अच्छा डायरेक्शन में आपको पढ़ाएंगे। और एसएससी जेई के लिए बेस्ट टीचर हैं गाइस, जो मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल में वैकेंसीज भी अच्छी खास। ऐसा नहीं आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई के लिए ही आपका कंप्लीट होगा, आप आरआरबी जेई के लिए भी कर सकते हो इसी सिलेबस से, फिर आपका अदर एग्ज़ाम जो जेई और ए लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो भी क्रैक कर पाओगे। तो क्या करना है, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नीचे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जब क्लिक करने के बाद आपको कोर्स बाय करने, और मेरा कोड यूज करेंगे डी कुमार 10, तो 10 से 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो जाइए चेक करिए और कोर्सेज जरूर बाय करिए, ठीक। जो गाइस सैलरी की बात किया जाए, सैलरी आपकी 7 पे कमीशन होने वाली है, 7 पे कमीशन में आपका 59,500 डी ए एंड अदर अलाउंस एज भी रूल पर यूपीपीएससीएल। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैं बता दूंगा, कैंडिडेट है भी सफिशेंट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड डिग्री सिविल इंजीनियरिंग इन सेक्शन ए, भी मेम्बरशिप ऑफ ये सब चीज़ें दे रखी है। मिनिमम एज आपकी 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना ज़रूरी है। रिलैक्सेशन मिलता है आपका, आपको 5 ईयर और पता है कि और चीज़ें मिलती है, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट एग्जाम सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम सेंटर आपके प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, ETC, लंगड़ा, गाजियाबाद, मेरठ, ETC, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन पेपर सेल भी कंसिप 75 क्वेश्चन फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल, 10 क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड 5 क्वेश्चन ऑफ हिंदी, और बाकी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 1/4 आप डिडक्ट होगा, तो 1/4 आपका डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज़्यादा टफ नहीं है आपका प्री, उसके बाद इंटरव्यू, तो आराम से सिलेक्शन होने के चांस। सिलेबस गेट का सिलेबस है, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन डेट की बात कीजिए, फीस जो है 826 से 1180 रुपये फीस है। बाकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, हाउ टू अप्लाई इनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर देना है। बाकी आपका डेट 24/5/2022 से लेकर 14/6/2022 तक है, लास्ट डेट आपका 24 तक बता दिया, 14/6/2022 है, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीट 3rd week of July, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।